यार हम सब ने कितनी बार सुना है कि उसको टाइफाइड हो गया, इसको टाइफाइड हो गया। आज इस वीडियो से हम ये समझेंगे कि ये टाइफाइड होता कैसे है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड मेनली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला, और मेनली चार स्ट्रेन्स टाइफाइड कर सकते हैं। एक तो साल्मोनेला टाइफी, दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी ए, तीसरा साल्मोनेला पैराटाइफी बी और चौथा साल्मोनेला पैराटाइफी सी। ये चारों टाइफाइड कर सकते हैं। अब ये टाइफाइड होता कैसे है? तो टाइफाइड जब होगा जब कोई आप ऐसा खाना खा लो या पानी पी लो जिसमें ये बैक्टीरिया हो, यानी कि इस बैक्टीरिया से जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होगा ना, उसके खाने से टाइफाइड होगा। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि मतलब पेशेंट को होगा क्या है इसमें। अब टाइफाइड के अंदर स्टेप लैडर फीवर होता है। स्टेप लैडर फीवर का क्या मतलब है कि फीवर बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आएगा बॉडी का, और कम होने के बाद वापस से फीवर बढ़ जाएगा, फिर फीवर कम होगा फिर बढ़ जाएगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। नोट करने वाली बात यह है कि जो फीवर कम हो रहा है उसमें कभी भी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अचीव नहीं होगा। साथ ही साथ कई पेशेंट्स में रैशेस भी देखने को मिले हैं, और पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब हम बात करेंगे कैरियर स्टेट की, कि अगर किसी ने टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा। तो एज्यूम करते हैं कि राहुल को टाइफाइड हुआ पर उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो अब होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, या तो ये राहुल के यूरिन में शेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके यूरिन में आएगा, या फिर ये राहुल के स्टूल्स में यानी कि फीसीज में आने लग जाएगा। और उसके बाद अब ये जो बैक्टीरिया वो यूरिन या स्टूल में शेड कर रहा है राहुल, वो फूड को कंटेमिनेट कर सकता है, और जब कोई और हेल्दी बंदा इस फूड को खाएगा तो उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। इसके लिए हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नोटेड है जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड मैरी। हुआ क्या था कि मैरी को टाइफाइड था और वो टाइफाइड की कैरियर थी, और उसके यूरिन और स्टूल में ये साल्मोनेला का बैक्टीरिया शेड होता था। तो जब जब मैरी यूरिन और स्टूल पास करके हाथ नहीं धोती थी और बिना हाथ धोए किसी के लिए खाना बना देती थी, तो उस खाने में साल्मोनेला चला जाता था और उस बंदे को भी टाइफाइड हो जाता था। अगर आप ये देखना चाहते हो कि डेंगू कैसे होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है, तो आप इस वीडियो पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।